होमगार्ड की ऑटो बाले से मारपीट, होमगार्ड की फाड़ी वर्दी। बरेली के सैटेलाइट चौराह के पास होमगार्ड सोमपाल सिंह यादव ने ऑटो हटाने को कहा। इतनी बात पर ऑटो बाले और होमगार्ड से कहासुनी, फिर मारपीट हो गई। ऑटो चालक ने होमगार्ड की वर्दी फाड़ दी। पुलिस ने ऑटो चालक को पकड़कर थाना बारादरी भेज दिया। घटना के समय IGS अस्थाना मौजूद थे। मेरा नाम सोमपाल है। सोमपाल जी बताएं क्या मामला हुआ था? ये हुआ सुबह यातायात कार्यालय से ड्यूटी से 7:20 हो रहे थे। 7 उसी समय ऑटो चालक इधर नरियावली की तरफ से तेज गति से आया था। उस समय जब रेस हो रही थी, निकल रहे थे, भाग दौड़ हो रही थी। उसी पीरियड में शमीम साहब के एसआई साहब ने उसे पीछे घटने का, वो घूम के आउटसाइड दूसरी साइड से गलत साइड से फिर आ गया। उसके बाद फिर हटाया, फिर उसके बाद मुझे टेल लिया उधर बीच से भी इसे अलग कर दो, इसे कह दो लौट गया मुझे। जब मैंने उसे लौटने को कहा, हटने को, तो वो एकदम उत्तेजित हो गया और बढ़ने लगा, एकदम गाली गलौज करने लगा। मैंने कहा भाई गाली क्यों दे रहा? तो मैंने उसे कहा उतर के था। इतने के बावजूद उसने वर्दी, उसने गले में हाथ डाला, सब बटन टूट से वर्दी पड़ गई, मार दी। उसके बावजूद जो है TSI साहब GS अस्थाना साहब ने उसे उतारा। उतारने के बाद जो है वहाँ के पुलिस के सिपाहियों को हवाला किया, फिर वहाँ से जो है थाने के लिए रवाना किया। आपके साथ मारपीट करी? हाँ, हमारे साथ जो है मारपीट की, मतलब धक्का मुक्की करके मारपीट की। उसने क्या लोग थे? वो अकेला था, हमसे तगड़ा पड़ता है। तो कारण क्या था? कारण यही था, हटाने के बावजूद रोकने के, वहाँ एकदम भिड़ गया ना, बीच में खड़ा हो गया, जबकि सारा बीट बंद था, सभी लोग खड़े थे, वो बीच में आ रहा। घटना कहाँ की है? ये नरियावल मोड़, वो जो है सैटेलाइट से नरियावल स्टैंड की मोड़ की तरफ कोने पर, और कोने पर अक्सर तक लगाते हैं, बनते हैं, वहीं हटाते हैं सब लोग, वो मानते नहीं, वो सवारी चक्कर में अपने दोनों व्यस्त। ये बात है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जिला कांग्रेस ने लिया राष्ट्रीय एकता अखंडता का संकल्प। बरेली 31 अक्टूबर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि एवं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मरण किया गया और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए देश की आजादी में उनके योगदान से प्रेरणा लेने और वर्तमान समय में आम जनमानस में फैलाई जा रही सांप्रदायिक भावनाओं पर अंकुश लगाते हुए आपसी भाईचारा और सद्भाव कायम रखने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामदेव पांडेय की अध्यक्षता में संपन्न एक गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में श्रीमती इंदिरा गांधी जी एवं पटेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और आजादी के बाद भी दोनों नेताओं द्वारा राष्ट्र के सार्वभौमिक विकास के लिए उल्लेखनीय कार्य किए जाने से राष्ट्र निर्माण हुआ। जिलाध्यक्ष रामदेव पांडेय ने कहा कि दोनों नेताओं के अविस्मरणीय कार्य से भारत स्वावलंबी बनकर सशक्त राष्ट्र की नवीन रचना हुई। गोष्ठी से पूर्व उक्त दोनों नेताओं की महान एवं विशाल
शख्सियत को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का संचालन पम शून्य रविंद्र मिश्रा ने और संयोजन रविंद्र सहारा एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप सर्वश्री प्रेम प्रकाश अग्रवाल प्रातीय, सचिव नरेंद्र पाल सिंह पूर्व विधायक मो शून्य जकी मो शून्य असलम अंसारी, श्रीमती स्वप्निल शर्मा, सौरभ राठी प्रो शून्य, अलाउद्दीन खान प्रो शून्य, चारू मेहरोत्रा, मुजफ्फर रईज एडवोकेट, नौबत राम सागर, दिनेश दद्दा एडवोकेट नंकू सागर, वसीम अक्रम, एम इश्तियाक खान, जुल्फिकार खान, संतोष वर्मा, डॉ शून्य जकीर खान, ओम प्रकाश दिवाकर, इश्तियाक खान, पप्पू कश्यप, धीरज राम, आसरे लाल वाल्मीकि आदि सहित काफी संख्या में कांग्रेसजनों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता तथा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए में कांग्रेसजनों ने राष्ट्रीय एकता अखंडता सांप्रदायिक सद्भाव को अक्षुण बनाए रखने हेतु सदैव कार्य करने का संकल्प लिया। रामदेव पांडेय, बरेली जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम अपनी पूर्व प्रधानमंत्री लौह महिला भारत श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं और आज के ही दिन हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, उनका जन्मदिन मना रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मनाए जा रहे इस दोनों कार्यक्रमों में हमारे बीच में मौजूद हमारे एकमात्र बरेली के विधायक पूर्व विधायक नरेंद्र पाल सिंह गंगवार जी, बड़े भाई हमारे मोहम्मद जकी साहब, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हमारे प्रेम प्रकाश अग्रवाल जी, हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रोफेसर अलाउद्दीन खान साहब, हमारी उप जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष और पीसीसी सदस्य डॉक्टर चारू मेहरोत्रा जी, और विशेषकर हमारे बीच में दिनेश दद्दा जी, और जिला मानवाधिकार कांग्रेस मानवाधिकार के मुजफ्फर रईस एडवोकेट साहब, जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम अंसारी जी हमारे बीच में मौजूद हैं, ब्लॉक अध्यक्ष नवाबगंज, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एम इश्तियाक खान साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हमारे रविंदर सहारा जी, और हमारे युवा नेता नौजवान साथी हमारे बड़े संघर्षशील सौरभ राठी जी, शीर्ष से हमारे पधारे हमारे वसीम अकरम जी, दिनेश सद्दा जी, हाजी भाई खान साहब, नंकू सागर जी, और हमारे बीच में रंधावा सिंह जी हमारे नवाबगंज से आए, और सभी लोग इकट्ठे होकर आज हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धा सुमन और पुष्पांजलि देते हुए आज का कार्यक्रम यहाँ पर मना रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों लोगों के विचार, व्यक्तित्व और कृतित्व हमेशा प्रासंगिक रहेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए इन लोगों ने जो अपना त्याग और बलिदान किया है, निश्चित रूप से उसको हमेशा याद रखा जाएगा, और उनका त्याग और बलिदान मील का पत्थर साबित होगा। और जो आज के समय में जो सांप्रदायिक ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, जातवादी ताकतें फन उठा रही हैं और समाज में सांप्रदायिकता के नफरत के बीज बो रही हैं, निश्चित रूप से हम सब इकट्ठे होकर उन नफरतों को जो है दूर करेंगे और प्रेम और सौहार्द को कायम करेंगे। नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी हैं, दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने, ये हमारे राष्ट्रनायक राहुल गांधी जी का संदेश है। हम मोहब्बत का पैगाम देकर आम आवाम को कांग्रेस से जोड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सचिव जी बताएं आज का कार्यक्रम क्या है? आज का कार्यक्रम विश्व की लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो हमारी प्रेरणा स्रोत रही, आज उनका आज के ही दिन उनकी हत्या हुई थी और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम सब लोग वाकई में गमगीन इसलिए कि वो एक बहुत अरसे तक उन्होंने हमारा नेतृत्व किया और आज भी उनके बताए हुआ रास्ता हमारे लिए एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ संकेत करता है। इसके साथ ही साथ एक हमारे पास सुखद समाचार भी था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो वल्लभ भाई पटेल साहब जिन्होंने हमेशा आरएसएस जैसी मानसिकता से घृणा की, आज आरएसएस वाले जो ढोंग दिखा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी वाले, वो वास्तव में वंदना तो अवश्य कर रहे हैं लेकिन ये कांग्रेस के उस महावीर की वंदना कर रहे हैं जिसमें हमारे पास जो हमारा इतिहास है, ऐसे हजारों लोग कांग्रेस में हैं जिन्होंने इस देश की सेवा करी और आज उसी संकल्प के साथ हमारी जो इंदिरा जी का दिखाया हुआ रास्ता, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष उनका दिखाया हुआ रास्ता, उससे आगे चलकर हम इस देश को आजादी दिलाएंगे। 1947 जैसी आजादी अब फिरका परस्ती से आजादी होगी और भारतीय जनता पार्टी की इस नाकाबिल और दूसरों में एक नफरत फैलाने वाली सरकार से हमें आजादी मिलेगी।